हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा रहेगा आगे, क्या फेस कर रहे हैं आप। हम केल्टिक स्प्रेड निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, विद गाइडेंस हम आपके लिए देखेंगे, कुछ मैसेजेस भी हम आपके लिए देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और यस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ, नॉर्मल मैसेज में का आंसर नहीं देती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सिर्फ हाय और हेलो ना लिख करके आप जो एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं वो पूछें, ठीक है। तो यस, यही थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थैंक यू। ओके, तो यहाँ मैं अभी आपका जो सिचुएशन देख रही हूँ, जो अभी आपकी रिसेंटली जो सिचुएशन है, या थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं। ओके, अभी कुछ लोगों का मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनका जो, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर कहें आपके परिवार में, बेसिकली यहाँ पे कुछ मैं लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे सिचुएशंस मैं देख रही हूँ जिसको लेकर के कि आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाए, आपको जस्टिस मिले। बेसिकली यहाँ पे मुझे थोड़ा इनजस्टिस फील हो रहा है, या तो आपको उतनी अहमियत नहीं मिली है, या कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं आप लोग, या नॉर्मली पारिवारिक, यहाँ पे कुछ मुझे उलझन दिख रही है। और कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज को लेकर के कुछ कोर्ट केस होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें अभी बहुत हद तक मैं कहूँगी बदतर कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से भी हेल्थ इश्यूज भी झेल रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फिजिकली आप फिट नहीं हो, या आपके परिवार में कोई फिट नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत उलझन है, बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल आपके परिवार में यहाँ पे बना हुआ मुझे
दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो आपको करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये है टू ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनिटी की एनर्जी, एक बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन है ना, इसे प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं या जो भी झेल रहे हैं, इसे प्यार से हैंडल कीजिए। और यहाँ पे एक सपोर्ट, जिसे कहते हैं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसे मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। स्कॉर्पियो, थैंक यू। यस, अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके फैमिली के किसी पर्सन के साथ या फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, खासकर रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वहाँ पे अभी सब ठीक होने की होप है। तो यहाँ आपको इस मैटर को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। इन्हें बिगाड़ना नहीं है आपने, या इनमें आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ईगोज़ को बीच में नहीं लाना है, गुस्से को बीच में नहीं लाना है, या बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। दिल से हैंडल कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये रिश्तों का मामला है, परिवार का मामला है, दिल का मामला है। तो इन चीज़ों को आपको दिल से ही हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि चीज़ें सब बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे भी द स्टार होप की एनर्जी, और मैनेज करना चीज़ों को, होप नहीं होनी है आपको, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है अभी कोई आपका टाइम चल रहा है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है अगर कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज रहे हैं, उन्हें हील कीजिए और आगे बढ़िए। इन इश्यूज को या इन लड़ाइयों को आपको रिजॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यही अगर हम आपके माइंड की बात करें तो यस, यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। आप जो है कुछ चीज़ या कुछ ख़त्म एंड करना चाहते हैं किसी चीज़ का, यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा है कि चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो जाए और नई सिरे से कोई शुरुआत हो। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में हो सकती हैं, कुछ इल्यूजन्स आपके माइंड में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ना आपको ये नहीं पता चल रहा। ऑप्शंस हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं कि आपको करना क्या है या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप आइडियाज़ या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं ना, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये एक चाल चलने वाली बात है, या दूसरे को या अपने ही किसी परिवार के इंसान को या अपने ही किसी लव्ड वन को चीट करने वाली एक एनर्जी है, और वो भी एक गलत तरीके से। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज़ें ना करें, क्योंकि वो एक गलत दिशा की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। उसमें आपका खुद का भी नुकसान है, आप खुद भी अपने लिए एक बैड कर्मा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। गलत तरीके से चीज़ों को ख़त्म करना या उनको सॉल्व करने का के बारे में सोचना, या किसी को भी किसी भी तरीके से हर्ट करना, वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप माइंड से बहुत सोच रहे हैं, या माइंड गेम बहुत चल रही है विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर, ठीक है। तो दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, दिमाग में अगर मैं कहूँ तो आपके दिमाग का जो नेगेटिव साइड है वो बहुत हावी है, या मैं कहूँ शैतान जिसे कहते हैं हम सब में, ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइएगा। हम हर किसी के अंदर एक एंजल होता है और एक डिविल होता है, तो दोनों ही हमें राय देते हैं। वो डिपेंड हम पर करता है कि हम किसे अपने पर हावी होने दे रहे हैं, डिविल को या एंजल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके अंदर का जो डिविल है वो आप पर हावी हो रहा है, वो आपको बहुत कंफ्यूज किए हुए है, और इसमें चांसेस है कि आप अपने डिविल को सुन करके या ज़्यादा अपने दिमाग को सुन करके एक गलत राह पे आप जा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम आपके आगे पास्ट की अगर देखें
तो यस, यहाँ कुछ चीज़ें हुई आपकी पास्ट में, हर्टफुल सिचुएशंस हुई हैं यहाँ पे, धोखा मिला है आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, धोखा मिला है, चीटिंग हुई है शायद उसी चीज़ का, या बातें हर्ट हुई हैं किसी की, कोई बातें चुभी हैं आपके दिल में, ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आया है। ये कुछ हर्ट हुई है चीज़ें आपको पास्ट में, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, ठीक है, और इसके साथ ही द मून की एनर्जी है। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये जो भी बातें हुई हैं ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप लोगों के बीच में कुछ क्रिएट किया गया है, या कोई थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जिस वजह से कि आप लोगों के बीच में अब, या आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ा हो, या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी। मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके परिवार का, आपके आपका खुद का स्पाउस हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई कलीग्स में से हो सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे। तो बेसिकली चीज़ें वैसी नहीं हैं, या उस वक्त वैसी नहीं थी जैसी आप देख रहे थे, वो एक इल्यूजन्स था, आपको ये बताया जा रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगी पास्ट में जो भी आपको हर्ट हुआ ना, वो एक इल्यूजन इन द सेंस हर्ट हुआ आपको, लेकिन यहाँ मिसकम्युनिकेशन या मिसगाइड किया गया है। आप जो आपके साथ जिसके रिश्ते आपके साथ ख़राब हुए हैं, आप दोनों को मिसगाइड किया गया है, या तो आपको मिसगाइड किया गया है या उन्हें मिसगाइड किया गया है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको मिसगाइड किया गया है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आप लोगों को तोड़ना चाहता है, आप लोगों के बीच में दरार डालना चाहता था, तो उसी ने ही वो काम किया है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यस, आपका, आप जो चाहते हैं अब, आप सारी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पे आपके, अगर मैं दिमाग की या माइंड की बात करती हूँ, तो आप डेथ की एनर्जी है। डेथ मतलब पुरानी सभी चीज़ों को, या जो भी रिश्ते कहें या जो भी चीज़ें कहें, सब ख़त्म करके आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नए सिरे से यहाँ पे आप शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ पुरानी, और एक नया स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। वही ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। या मेरे मतलब मुंह में ही वो वर्ड था और वो चीज़ आ गई है। तो यस, यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है आने वाले एक से दो महीने में आपकी लाइफ में, वो चेंज आ रहा है, ठीक है। अब आप स्टेबिलिटी की तरफ, एक प्रॉमिसिंग एनर्जी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी एक बदलाव चाहते थे या एक न्यू बिगनिंग चाहते थे, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। फाइनेंसिस को लेकर के हो सकती है, या आपके लाइफ का जिस भी एरिया आपका जो प्रोमिनेंट है, जिसको लेकर के आप ये देख रहे हैं, उसमें एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, नए सिरे से शुरुआत होना, ठीक है। देखिए दो कंडीशंस होती हैं, टू कंडीशंस होती हैं, एक नए सिरे से शुरुआत होना, जैसे कि कुछ लोगों का एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है और एक न्यू स्टार्ट होता है रिश्ता, और एक होता है जो एक रिश्ता आपका चला आ रहा है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, या लोगों की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, वो सभी चीज़ें रिजॉल्व हो करके, ठीक है, वो सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो करके उसी रिश्ते में एक नई शुरुआत होना। तो अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आने वाले एक से दो महीने में वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है आपके लिए, ठीक है। एक से दो महीने से लेकर के छः महीने तक का टाइम मैं आपको यहाँ पे दूंगी, चीज़ें बदलाव में आएंगी आपकी, ठीक है।
आपको एक महीने में वो बदलाव होते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। और यही अगर मैं आपकी खुद की एनर्जीज अगर कहूँ तो आप जो हैं इस समय बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। ये इस समय कुछ ना कुछ ये एक डिसीज़न लेने का समय है कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपके माइंड में ना वो क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं चीज़ों को देख करके, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही अगर मैं आपके अराउंड की बात करूँ, एक और मैं यहाँ पे कार्ड लेना चाहूँगी, थैंक यू। ओके, हाई प्रिस्टेस और सिक्स ऑफ कप्स। यस, देखिए सराउंडिंग कह सकते हैं आपकी जो है, मैं आसपास के लोगों को अगर कहूँ तो बहुत मिक्स हैं, ठीक है। कहीं तो बहुत ज़्यादा आपके अराउंड में बहुत इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। यहाँ जो मुझे देखने को मिल रहा है ना, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इमोशंस एक दूसरे से ना छुपाए भी जा रहे हैं, एक दूसरे को दिखाए नहीं जा रहे हैं या शो नहीं किए जा रहे हैं। जो मैं आपके आसपास का माहौल इस समय देख रही हूँ, चाहे वो इमोशंस आपके अंदर बहुत उठ रहे हों या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके अंदर उठ रहे हों, तो बेसिकली यहाँ इमोशंस तो बहुत हाई हैं, ठीक है। प्यार भी बहुत है लेकिन वो दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल कर रखा हुआ सिचुएशन को, लेकिन यस मैं कहूँगी कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं बहुत ही पर्सन वो सपोर्टिव हैं। अब यहाँ मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, ठीक है। और ये भी माइंड में रखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से मैच कर रही है तो किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो यस, आपके सराउंड में जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है आपको लेकर के, लेकिन यस अभी जो है वो ओपन अप नहीं कहेंगे, लेकिन उसका दिल जो है प्यार से भरा हुआ है आपको लेकर के, लेकिन वो ओपन नहीं है, मैं ये कहूँगी अभी ओपन अप नहीं है। चाहे वो आप हो या आपके पर्सन हो या आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो सब चीज़ें दबी हुई हैं, दबी इन द सेंस हैं लेकिन जता नहीं रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। यस, यहाँ पे मैं अगर आपके होप्स, फियर्स या डिजायर्स की अगर बात करूँ, यस, ये देखिए आप डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, किस वजह से? ओवरथिंकिंग की वजह से, डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस बहुत है आपको, ठीक है। स्ट्रेस बहुत है आपको इस वक्त में, जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पर यहाँ पे काबू पाना पड़ेगा, ठीक है। अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तभी आप वो डिसीज़न, वो एक राइट डिसीज़न ले पाएंगे। मैंने आपको बोला ना कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और नेगेटिव वे में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये जो सिचुएशन है ना इसको दिल से हैंडल करें। अभी ये चाहे आपके परिवार का मामला हो, चाहे आप किसी से भी डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज आई हैं और सिक्स ऑफ कप से ये भी बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी मिल गई है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं सिचुएशन से, आपको हार्ट से, दिल से डील करना है, ठीक है। वहाँ दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आप अपना दिमाग लाएंगे वहाँ सिचुएशन जो है बिगड़ जाएगी, ठीक है। या रॉन्ग, मैं कहूँगी रॉन्ग डिसीज़न लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें कि वो डिसीज़न लेने के बाद ना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं आएगा। सी, मैं ये लेना चाहूँगी, ये दो आ रहे हैं और यस बॉटम ऑफ द डेक है,
मैजिशियन की एनर्जी है अगेन यहाँ पे। ये सभी कार्ड्स मैं आपके लिए लेना चाहूँगी क्योंकि ये विद्यिक गाइडेंस में निकले हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और इसको अगर मैं क्लैरिफाई कर रही थी तो ये दो कार्ड्स फ्लिप हुए थे, ठीक है। देखिए, स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आप एज अ, देखिए अगर हम देखें, यस ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अभी मैं ध्यान दे रही हूँ। आप कपल हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले जो समय में आप कह सकते हैं 6 to 8 months जो है, आपकी ग्रोथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में, ठीक है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे बढ़ ही रही है, उसके साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप एक दूसरे की यहाँ पे मदद करते हुए मुझे आगे फ्यूचर में दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मिलकर के आप काम करें, अगर मिलकर के काम ना भी करें तो एक दूसरे को फाइनेंसिस वाइज आप बहुत हेल्प करने वाले हैं। फाइनेंसिस आपके बहुत ग्रो होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मैं कहूँगी पेशेंस आप लोगों में बहुत आएगा, एक दूसरे को लेकर के समझदारी आएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही एक समझदार कपल के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसे हम बोलते हैं, बहुत ही समझदारी से चलने वाले ये कपल होते हैं। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि पहली बात यहाँ पे कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ठीक है, ओपन रखना है अपने आप को, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे किसी ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो, क्योंकि ये मुझे आ रहा है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे ओवर खर्चा करने की आदत है, आई मीन फिजूल खर्ची कह सकते हो आप, या यूज़लेस की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदना, चाहे उसका यूज़ हो नहीं हो, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक निकले थे, ठीक है। ये दोनों तो हमने जो इसको क्लैरिफाई कर रहे थे तो फ्लिप हुए थे, लेकिन ये दोनों बॉटम ऑफ द डेक निकले हैं। तो यही है कि यहाँ ना आपका माइंड खुद ही आपके खुद के माइंड को या जो भी सिचुएशन है उसे मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया है स्कॉर्पियोज, ठीक है। तो आप ना खुद, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, ठीक है, ये मैजिशियन है, ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन जब ये एक नेगेटिव सिचुएशन में आता है ना तो ये बहुत ही ट्रिकी या फिर मैं कहूँ बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाता है। और यहाँ देखिए इमोशंस आपके अंदर भी हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इट डजंट मैटर, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। तो अंदर आपके भी इमोशंस हैं, लेकिन आपने आप ना दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, बहुत कठोर बना रखा है आपने ऊपर से, लेकिन अंदर इमोशंस यूं फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। और वो कंट्रोल जो आ रहा है ना, वो आपका माइंड जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, आपके आपके आपको पूरी तरीके से चला रहा है, समझ रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, किसी को हर्ट करना है या ये डिसीजन लेना है, ये नहीं लेना है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को मत चलाने दीजिए अपने आप को, क्योंकि ये जो भी डिसीज़न आप लेंगे ये आपको अपने माइंड से नहीं लेना है, ठीक है, ये आपको अपने दिल से लेना है। ओके स्कॉर्पियो, या चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू ओशो जिन से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। देखिए छोड़ दीजिए अपने आप को, देखिए यहाँ पे भी इमोशंस, छोड़ दीजिए अपने आप को, दिमाग मत चलाइए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, बस दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव रह पाएँ और आप अपने दिल को फॉलो कर पाएँ, ये जितनी भी नेगेटिविटी है या आपके अंदर का डेविल है ना वो आपको कंट्रोल ना कर पाएँ, ठीक है। ट्रस्ट रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, हार्मनी, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कप्स की एनर्जी होती है, ये टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपने दिल को फॉलो करेंगे,
ये देख रहे हैं ये है डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन खुशियों की हारमनी की हारमनी को डिनोट करती हैं, खुशियों को, फैमिली को, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है जहाँ आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, दिल से फैसला लेंगे, वहाँ आपके लिए खुशियाँ आ रही है, पीस आ रही है, हारमनी आ रही है इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन के लिए आप देख रहे हैं। वन लास्ट मैसेज प्लीज। गाइडेंस, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, बस आपको उसे फॉलो करना है। देख रहे हैं एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे आपको जाना है, वो जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। अब वो आप पर है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। और देखिए इंटेंसिटी की एनर्जी है, ये गुस्से की एनर्जी होती है, फायर की एनर्जी होती है, जल्दबाजी की एनर्जी होती है। इतने गुस्से में या इतनी जल्दबाजी में ना आपको कोई फैसला नहीं करना है, जो भी फैसला करना है बहुत ही शांति से और दिल की आवाज़ को सुन करके करना है। अगर आप जल्दबाजी में या गुस्से में अगर आ करके आप कोई फैसला करोगे जहाँ आपका ताप बहुत हुआ पड़ा है, आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और आप फैसला लेने जा रहे हो, ठीक है, कोई डिसीजन ले रहे हुआ, वो रॉन्ग होगा, आपको यही बताया जा रहा है। तो यहाँ आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये अभी की एनर्जीज हो सकती हैं, ये आपकी, ये कुछ लोगों की अभी की एनर्जीज हैं। आप लोगों में जैसे आग लगी हुई है इस सिचुएशन को लेकर के, गुस्सा हुआ, फायर है, उसे कूल करो, ठीक है, उसे कूल करना है, तभी वो शांति मिलेगी, वरना इस आग में खुद ही आप झुलस जाएंगे। ये देख रहे हैं जितने ताप से ये चल रहा है आगे, इसकी फायर खुद ही इसे जला रही है ना, तो इस एनर्जी से आपको बचना है। चलिए देखते हैं कुछ अदर मैसेजेस आपके लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या होते हैं, ओरेकल से क्या बताना चाहते हैं। ये फ्लिप होकर के ऐसे हो गया। ओके, मैजिशियन, अगेन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखिए आप खुद कर सकते हैं, आप में वो पावर है, बशर्ते कि आप अपने फायर और अपने जल तत्व को और अपने फायर तत्व को बैलेंस कर सकें, ठीक है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। वो पावर है आपके अंदर, आप कर सकते हैं, बस कंट्रोल आपको करना है। आप ये एनर्जीज आपको कंट्रोल ना करें, आपको सबसे पहले इन एनर्जीज को कंट्रोल करना है, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। मैजिशियन जो होता है वो इतना कैपेबल है कि वो ये कर सकता है, और यहाँ पे टू टाइम्स यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जीज आई हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप कर सकते हैं। हॉस्टिलिटीज़, तो यस यहाँ पे कुछ लोग जो है फैसला लेने के लिए यहाँ पे एक उग्र बिहेवियर का या फिर कहें रूड बिहेवियर को दे ले रहे हैं, तो वो आपको नहीं लेना है, शांति से इस चीज़ को निपटाना है, जो भी फैसला लेना है शांति से लेना है, ठीक है, गुस्से में नहीं आना है। अगेन यहाँ पे हारमनी के नीचे ही ये कार्ड है, हारमनी के नीचे ये कार्ड है और इसके नीचे ये कार्ड है, जहाँ आप गुस्सा करेंगे वहाँ आप खुद का नुकसान करेंगे, ठीक है। असल में ये एक तरीके से ना खुद की इंसान की विक्ट्री का कार्ड है। एक एग्जांपल दूंगी, आपका अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन आप लोगों का बॉन्ड पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था या बहुत अच्छा था, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और आपका रिश्ता किसी ने बिगाड़ दिया, लेकिन आपको ये मालूम नहीं, अब आपको ये लगा कि उस पर्सन ने आपको आपके साथ गलत करा या आपके बारे में बुरा भला बोला या आपके साथ बुरा करा या आपके परिवार के साथ बुरा करा, आप तैश में आ गए, गुस्से में आ गए और आपने वो एक डिसीज़न लिया कि अब मुझे इसे हराना है, अब मुझे इसे अपनी लाइफ से निकालना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस इंसान से हमारा सॉल का कनेक्शन होता है ना, जिस पर्सन से हमारा सॉल का कनेक्शन होता है, जब हम गुस्से में होते हैं उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं, तब हमारा सिर्फ दिमाग चल रहा होता है गुस्से में, तो हम अक्सर गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो डिसीज़न तो ले लेते हैं, उस समय हमें क्या लगता है कि हम जीत गए, ये वही एनर्जी है, लेकिन असल में क्या है कि आपने अपने एक सॉल पर्सन को, अपने एक सॉल कनेक्शन को, डिवाइन कनेक्शन को अपने आप से अलग कर दिया, तो रियल में आप हार जाते हैं और वो आपको आगे जाके पता चलता है फ्यूचर में कि ये गलती आपसे हुई थी।
समझ रहे हैं मेरी बात, तो उस समय सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो यह आपको यही बताया जा रहा है कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना, इस एनर्जी में नहीं आना। इस एनर्जी में आओगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, हार्मनी होगी। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके घर में सुख शांति रहेगी, ठीक है। आप इमोशनली फुलफिल रहेंगे, ठीक है, संपन्न रहेगा आपका परिवार। लेकिन जहाँ आप इस एनर्जी में आ गए, वहाँ आप अपना खुद का ही नुकसान कर लोगे। कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप असल में आप हार गए हैं। लास्ट वन कार्ड प्लीज फॉर स्कॉर्पियो। ओके, ये आना चाहता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और हो सकता है आप किसी पर्सन से, कोई वुमेन हो आपकी लाइफ में जिससे आप डील कर रहे हो, या जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, या जिसके साथ आपकी शादी हुई हो, या कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है और वहीं बहुत ही समझदार पर्सन भी है। वो कोई लेडी हो सकती हैं, भले ही आप भी एक वुमेन हो, आपकी लाइफ में कोई हो सकती हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, या वो आपकी मदद कर सकती हैं। आपके घर में कोई मैरिड वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, यस, वो आपकी लाइफ में ना हार्मनी लाने में या आपको गाइड करने में आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं वो। आई डोंट नो, मुझे इस एनर्जीज को देख करके कोई पाइसिस वुमेन नज़र आ रही है। आई डोंट नो मेरे माउथ में क्यों ये बात है। हालांकि ये कॉइन है, पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाती है, तो अर्थ एनर्जी है ये, लेकिन हो सकता है कोई अर्थ वुमेन भी हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लेकिन यस मुझे पाइसिस की एनर्जी मिल रही है यहाँ से, ठीक है। तो हो सकता है कोई मीन राशि पाइसिस ले रही हो यहाँ पर, तो वो आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस मैसेज मिला हो और आप उस पर अमल करेंगे, ठीक है। तो यस, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।